सिर्फ एक बात उनको बोलिए, मैक पेट में जाएगा तो वो बैक्टीरिया पनपेंगे, इंसुलिन बनाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। ये बात कोई डॉक्टर नहीं बताता, उनका धंधा ही बंद हो जाएगा, राइट। सो ये हो गया पहला। अब था पिज्जा बिजनेस, दूसरा वो लोग जो दवाई पे हैं, डायबिटीज की दवा पे हैं और दवा छोड़ने से 250 से ऊपर ब्लड शुगर आ रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हैं लेकिन अगर दवा छोड़ देते हैं तो ब्लड शुगर 250 से ऊपर आ जाता है, उनको क्या करना है। ये 2016 नोबेल प्राइज विनिंग साइंस जापानीज साइंटिस्ट ओशिनोरी ओसुमी, इनको नोबेल प्राइज मिला है इस साइंस के लिए जो आपको बताने जा रहा हूं। सिंपल भाषा में आपको समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपको एकदम समझ आए और आप घर पे जाके कर पाए। आप अखबार पढ़ते हैं सुबह, अखबार पढ़ने के बाद क्या अखबार को डस्टबिन में फेंक देते हैं? नहीं, आप उसको इकट्ठा करते हैं फिर उसको बेचते हैं। बेचने के बाद वो क्या करता है, उसी अखबार को रिसाइकल करता है, उसका वो टिश्यू पेपर बनाएगा, उसी का वो लिफाफा बनाएगा, उसी का वो कैरी बैग बनाएगा, फिर वो जो लिफाफा कैरी बैग है उनको भी वेस्ट नहीं करते, उसी का भी रिसाइकल होकर कुछ और तीसरी चीज बन जाती है। गेटिंग द पॉइंट? मतलब एक चीज जब वेस्ट हो जाता है तो वो वेस्ट ना होकर रिसाइकल होता है, जिससे हमारे इकोसिस्टम की एफिशिएंसी बनी रहती है, राइट। ठीक उसी तरह से हमारा बॉडी भी काम करता है। हमारे बॉडी में वेस्ट बनते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब भी कभी एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसी भी जगह पे तो वहां वेस्ट बनेगा ही बनेगा, राइट। तो हमारे बॉडी में ढेर सारा वेस्ट बनता है, लेकिन बॉडी क्या कर सकती है, उसी वेस्ट को दूसरे रूप में काम में ला सकती है। और अगर ऐसा वो करेगी तो हमारे बॉडी की ऊर्जा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और ऊर्जा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे। इस फिनोमिना को कहते हैं, इसी को कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब बॉडी की कैपेबिलिटी कि बॉडी अपने बनाए हुए वेस्ट को बेकार ना जाने दे, उसी के अंदर उसी का एक किसी और तरीके से यूज करे, जिस तरह से अखबार को वेस्ट ना थ्रो ना करके अखबार से नैपकिन बन गया, नैपकिन से कुछ और बन गया। रिसाइकलिंग, बॉडी कैन रिसाइकल इट्स वेस्ट एंड दैट इज कॉल्ड ऑटोफेजी। ये है नोबेल प्राइज विनिंग साइंस 2016। जिनके बॉडी में वेस्ट ज्यादा बन जाता है तो बॉडी उस वेस्ट को बाहर नहीं फेंक पाती है, और तब आता है हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां, राइट, या फिर ब्लॉकेज, एंजाइना, ये सब बीमारियां। अगर बॉडी वेस्ट को बाहर फेंक भी नहीं पा रही है, यूज भी नहीं कर पा रही है। अगर आप चाहते हैं बॉडी अपना वेस्ट को यूज कर ले तो याद रखिए ऑटोफेजी। ऑटोफेजी मतलब बॉडी कैन रिसाइकल इट्स वेस्ट। अब क्या हम करें कि हमारा बॉडी हमारे बॉडी के अंदर के वेस्ट को रिसाइकल कर ले, क्या हम करें? उसके लिए एक ही बात याद रखिए, बॉडी वेस्ट को यूज तब कर पाती है जब आप बॉडी को रेस्ट देते हैं, रेस्ट आराम देते हैं स्टमक को। तो नियम यह रहा कि रोज आपको 12 घंटे फास्टिंग करना है। 12 घंटे फास्टिंग मतलब आपको 24 घंटे में 12 घंटे ही खाना अलाउड है। आपने सुबह 8 बजे खाना शुरू किया, रात के 8 बजते ही मुंह बंद, खाना अंदर नहीं जा सकता। अब अंदर कब जाएगा? अगले दिन सुबह। आपने सुबह 6 बजे खाना शुरू किया तो कितना खाना बंद? 6 बजे। सिर्फ ये नियम अगर आप पालन कर लेंगे तो आपका जो 250 से ऊपर आ रहा था वो नीचे आ जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर अगर 250 से ऊपर आ रहा था टोटल, वो नीचे आ जाएगा। सिर्फ एक रूल कि मुझे 12 घंटे के ब्रैकेट में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कम खाओ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि खाने को बदलो, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि जो भी आप खाते हैं 12 घंटे की विंडो के अंदर ही खाइए, और 12 घंटे के बाकी जो टाइम है उसमें ना खाइए। पानी पी सकते हैं, राइट, लेकिन अवॉइड कीजिए खाना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका बॉडी ऑटोफेजी को स्विच ऑन कर देगा, और अगर ऐसा हो जाएगा तो बॉडी के अंदर के वेस्ट अपने आप यूटिलाइज होंगे, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड शुगर कम हो जाएगा। कितने दिन में? 3-4 दिन में। 3-4 दिन में। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर आपका ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर ज्यादा है भी 250 से, तो दवा में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑटोफेजी को स्विच ऑन करने की जरूरत है, जो कि बहुत आसान है, सिर्फ एक नियम बॉडी में अप्लाई करना। तो ये तो हो गया सेकेंड। अब आता है टाइप 3 मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ऐसे लोग
जो बीपी की गोली भी ले रहे थे, कोलेस्ट्रॉल की गोली भी ले रहे थे, और अब डायबिटीज की गोली भी है, मतलब चार पांच तरह के कॉम्बिनेशन ड्रग्स पे है वो। उनको कैसे अपने बॉडी के बिजनेस को ठीक करना है, उसके लिए सिंपल नियम आप याद रखिए। ये एक नया रिसर्च है, 2016 का रिसर्च है, प्लॉस मेडिसिन, प्लॉस वन मेडिसिन में आया, अप्रैल 2000, HIIT। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं, अगर ऐसे लोग जो बीपी की गोली ले रहे थे, कोलेस्ट्रॉल ले रहे थे, अब डायबिटीज गोली पे है, मेरे कहने पे 3 दिन दवा छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद जब मेजर करके देखा तो 250 से ऊपर सारे आंकड़े आ रहे हैं, उनको क्या करना है, मैं ये बता रहा हूं। इस रिसर्च के अनुसार, जो 2016 की रिसर्च 2 साल पहले हुई, कि अगर कोई भी इंसान रोज 1 घंटे एक्सरसाइज करे, चाहे दौड़े, स्विमिंग करे, 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करे, तो ये सारे आंकड़े ठीक हो सकते हैं। मोटापन ठीक हो सकता है, ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, ब्लड शुगर ठीक हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं, ये तो हम करते नहीं है क्योंकि टाइम नहीं है। जिनके पास टाइम नहीं है उनको क्या करना है, यही नई रिसर्च है। अच्छा, 1 घंटा नहीं है आपके पास, कितने देर है, 5 मिनट तो है कि 5 मिनट भी नहीं है? रोज अपने आप के लिए 5 मिनट तो है, बताइए, हाँ या ना? हाँ, 5 मिनट है। कोई ऐसा है कि मेरे पास 5 मिनट भी नहीं है? ऐसा नहीं होगा, 5 मिनट तो पक्का ही है। जिनके पास 1 घंटा नहीं है लेकिन वो एक्सरसाइज का फायदा उठाना चाहते हैं, उनको 5 मिनट क्या करना है वो मैं बता रहा हूं। HIIT एक नया तरह का एक्सरसाइज है जो इन्होंने डिवाइस किया है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये इन्होंने बोला है 5 मिनट नहीं, 11 मिनट। अगर दिन में आप रोज 11 मिनट कर पाए, हर दिन 11 मिनट, तो वो 1 घंटे जिम जाने के बराबर फायदा देगा, 1 घंटे दौड़ने के बराबर क्या फायदा देगा। और मेरी समझ से जिन लोगों ने बोला कि 5 मिनट आपके पास है, श्योरली उनके पास 11 मिनट भी होंगे। आप 11 मिनट छोड़िए, पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद 6 मिनट, फिर उसके 2 दिन बाद 7 मिनट, 11 मिनट की सुबह मुझे अपने लिए 11 मिनट देने हैं। अगर आप 11 मिनट दे पाए तो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ब्लड उतना ऊपर जाएगा नहीं। वैसे तो दवाई से भी फायदा नहीं होता, सिर्फ आंकड़े कम होते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये ट्रेनिंग कैसे करना है, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, राइट। 5 मिनट क्या करना है, ये ट्रेनिंग क्या है, कैसे करना, शुरू कीजिए 5 मिनट से, फिर हफ्ते 10 दिन में उसको 11 मिनट तक ले आइए, फिर रोज 11 मिनट का रूटीन बना दीजिए, सुबह सुबह या शाम को खाली पेट, जब भी एक टाइम, राइट। तो ये एक्सरसाइज कैसे है मैं आपको बताता हूं। इसे, इसका नाम है किचन स्लैब एक्सरसाइज। ये किचन में जाके करना है, सुबह जैसे ही खाने का याद है, किचन में गए, पहले अपने आप को कसम खानी मैं एक्सरसाइज करूंगी या करूंगा, उसके बाद ही मैं खाने को टच कर सकता हूं, राइट। किचन स्लैब, इसमें किसी की जरूरत है, सिर्फ किचन की जरूरत। किचन है सबके पास, जिसके पास किचन नहीं होगा उसके पास बीमारी भी नहीं होगी, राइट। तो किचन में जैसे ही जाएंगे सुबह उठ के, तो ये किचन का स्लैब मान लीजिए। तो कैसे करना है मैं आपको करके दिखाता हूं, जितना अगर आसान चाहिए तो इसको थोड़ा ऊपर, जितना ऊपर होगा उतना आसान हो जाएगा, जितना नीचे होगा तो मुश्किल होता जाएगा। तो अपनी कितना आप सह पाते हैं उसके हिसाब से ये हाइट ऊपर नीचे आपको मैनेज करना पड़ेगा, एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जो आपके हाइट के हिसाब से परफेक्ट हो, राइट। तो मैं इसको करके दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूंगा इसके अंदर क्या गुण है और कैसे आपको करना है और कैसे फायदा होगा। देखिए, अगर मैं ये करता हूं तो मैं कैसे करूंगा, 10 बार, फॉर एग्जाम्पल 10 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नॉर्मल, लेकिन अब हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखने में आसान लग रहा, मुश्किल बना लो, मुश्किल और मुश्किल जारी रहते जाइए, मुश्किल होता जाएगा, ठीक है, आसान होता जाएगा। आसान करना, मुश्किल करना आप पे है, इंपॉर्टेंट है करना है, 10 बार करना है। 10 बार ये किया बिना रुके उसी वक्त, मतलब एक पर्टिकुलर मसल को रेस्ट मिल रहा है तो दूसरा मसल शुरू कर दिया, राइट। ये होते ही तीसरा, अब पैर, दोनों हाथ थक गए, पैर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
पूरा उठना है, आधा उठना है, राइट, ये आपके ऊपर है, लेकिन करना 10 बार है, राइट। ये किया, आप देख रहे हैं हाथ को रेस्ट मिल गया, राइट, पैर में कर रहे हैं। अब पैर को जब रेस्ट चाहिए तो हाथ से करना है, लेकिन एक चीज को रेस्ट नहीं मिल रही, वो किसको? हार्ट एंड लंग्स, उसको रेस्ट नहीं देना है, लगातार करना है। ये सांसें फूल रही हैं, लगातार करना है। अब चौथा पकड़ लिया, 4 5 7 8 9 10, ये चार आपने एक्सरसाइज किए, इसी का 5 5 साइकिल, ये पूरा एक साइकिल हो गया, फिर 2 फिर 3 4 5, ऐसे करते करते अगर आप 8 से 10 साइकिल कर पाए तो 11 मिनट हो गए, और आपकी थकान ऐसी होगी जैसा 1 घंटा एक्सरसाइज करने से होता है, राइट। सो पहली बात, जो लोग बोल रहे हैं कि मैं घुटने में दर्द है, तो वो ये एक्सरसाइज ना करके इसका ऑल्टरनेट पकड़ लिया, 1 2 3 4 5, अब इस पैर से 2 बार 2 3 4 5। सो 2 बार हाथ को मौका दिया, 2 बार पैर को मौका दिया, 2 बार हाथ को मौका दिया, 2 बार पैर को मौका दिया, फिर हाथ को, पैर को, ऐसा पहले दिन आप 3 4 बार कीजिए, मतलब 10 साइकिल मत कीजिए, 3 साइकिल 2 साइकिल, अच्छा 1 साइकिल तो कर ही सकते हैं। जब आप करेंगे 1 साइकिल भी करेंगे तो आपको लगेगा कुछ कि कुछ हो रहा है बॉडी में, राइट, लेकिन उसको बढ़ाना है। 11 मिनट करेंगे तो दैट इज इक्वलेंट टू 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज, और 11 मिनट तो है ही सबके पास, 11 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो है ही, राइट। सो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो एक्सरसाइज है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन एक्सरसाइज के लिए ना तो हमारे पास टाइम है ना ही जगह, जिम नहीं है, बाहर दौड़ने कहाँ जाएं, दोस्त नहीं है, समय नहीं है, लेकिन ये वाला किचन स्लैब तो सभी के पास है, राइट। तो ये है न्यू रिसर्च 2016 का, इसे कहते हैं साइंटिफिक भाषा में हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसका मतलब यह है कि आपके बॉडी के मसल्स को आप रेस्ट दे रहे हैं बारी बारी से, लेकिन हार्ट और लंग्स को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, और ऐसा करने से हार्ट मसल की जो एक्सरसाइज होती है वो इतनी प्रभावशाली होती है कि आप पाएंगे कि कुछ दिनों में, करीब 10 दिन से 15 दिन में, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर वो 250 से नीचे 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 आएगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ती जाएगी। इम्पॉर्टेंट नंबर नहीं है, किसी नंबर को अचीव करने के लिए नहीं कर रहे हैं सारा कुछ, हम अपने हेल्थ को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। हेल्थ तो अचीव हो ही जाएगा, बट सब्सिक्वेंटली ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्टुरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9871186229 पर। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनको ये वीडियो आपसे ज़्यादा ज़रूरत हो। अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के राइट साइड में नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में एक बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी प्रेस करके ही ओपन कर दीजिए, और उसके बाद ऑल को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसमें कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूँ या तो कोई भी हेल्थ से संबंधित कोई भी वीडियोस डालता हूँ, तो उन सारा वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और वो वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको ही मिले। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।